हिंदुस्तान में आपने दूध से बनने वाली बहुत तरह की चीजें देखी होंगी, लेकिन जहां पर भी दूध दही से कुछ बनाया जा रहा होता है वहां पर गंदगी जरूर होती है। बट गुजरात के सूरत शहर में हमें मिली महाभारत के जमाने की आइसक्रीम की मेकिंग, जिसका न केवल बनाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है बल्कि इसको इतना साफ सफाई, इतना हाइजीनिकली बनाया जाता है कि आप देखकर चौंक जाएंगे। तो अगर आपको हाइजीन और साफ सफाई वाला खाना पसंद है, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, दूध की गाड़ी आ गई है यहाँ पर और इस गाड़ी में से दूध के कैन लेकर उनको इस टैंक के अंदर खाली किया जा रहा है। किसी और जगह अगर मिठाई बन रही होती तो यहीं से अब दूध को गर्म करके मिठाई का काम चालू हो जाता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। पहले इस टैंक के अंदर दूध का वजन किया जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ पे फिल्टर किया जाएगा। तो फर्स्ट लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन ये है और यहाँ से फिल्टर होने के बाद दूध इस वाले टैंक के अंदर आ रहा है। यहाँ पे भी दूध देखिए, जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है। तो दो बार फिल्टर किए हुए दूध से देखिए इस टैंक को भर लिया गया है, जिसमें कि 1000 लीटर दूध आता है। अब यहाँ से ये दूध एक और बार फिल्टर होकर इस पाइप के थ्रू जाएगा बैलेंस टैंक में। जब बैलेंस टैंक अपना भर जाएगा, यहाँ से इसे आगे भेजा जाएगा पैस्चराइजेशन के लिए, जिसमें कि दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सब मर जाएंगे। उसके बाद ये दूध यहाँ पे आएगा इस वाले टैंक के अंदर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं जहाँ से दूध निकल रहा है वहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। तो जो दूध इस टैंक में आ रहा है वो 4 बार फिल्टर किया जा चुका है, पैस्चराइज किया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे टैंक अपना पूरा भर लिया गया है दूध से, और अब इसके अंदर कल्चर डाला जा रहा है, यानी कि जमन, जिससे इसकी दही जमाई जाएगी। कल्चर डालने के बाद देखिए इसको दूध में यहाँ पर अच्छे से मिलाया जा रहा है, और उसके बाद इस टैंक को देखिए कवर कर दिया गया है। अभी कोई 5 घंटे हो चुके हैं, टैंक को अब खोला गया है और अंदर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे दही जम चुकी है। और अभी आप देखिए एक बड़े से जालीदार कंटेनर के ऊपर यहाँ पे कपड़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये वीडियो दही जमाने के बारे में नहीं है, असली प्रोसेस तो यहाँ पर अब स्टार्ट होगा। तो देखिए जो दही अपनी जमी है उसे यहाँ से लिया जा रहा है, और ये जो कपड़ा अपना बिछाया था कंटेनर में इसके ऊपर डाला जा रहा है। ये पूरा देखिए दही से भर गया है, और इसके ऊपर एक बार फिर से कपड़ा लगाया जा रहा है, और फिर से और दही ली जा रही है, और इसके ऊपर दही की एक दूसरी लेयर लगाई जा रही है। दूसरी लेयर में भी देखिए आप, पूरा का पूरा ये दही से भर दिया गया है और इसे फिर से कपड़े से ढका जा रहा है। कपड़े से ढकने के बाद इस दही के ऊपर देखिए वजन रख दिया गया है, जिससे कि इस दही में जितना भी पानी है वो सारा नीचे निकल जाएगा। अभी कोई 1.5 घंटा हो चुका है, वजन देखिए इसके ऊपर से हटा दिया गया है। अब इस कपड़े में से दही को बाहर निकाला जाएगा और यहाँ पे लाके इकट्ठा किया जाएगा। तो सारी देखिए बिल्कुल ये टाइट दही यहाँ पे आ चुकी है, जिसे श्रीखंड बोलते हैं। अब इसे यहाँ से लिया जाएगा और इसे डाला जाएगा इस दूसरी मशीन में, जहां से ये इस शेप में होके बाहर निकलती रहेगी। ये प्रोसेस आप देख सकते हैं कितना सेटिस्फाइंग है। तो इस तरीके से देखिए, जब अपनी ये श्रीखंड इकट्ठी हो जाएगी, इसे यहाँ से लेकर फिर से उसी मशीन में डाल दिया जाएगा और मशीन को ऑन कर दिया जाएगा। तो वो मशीन श्रीखंड को आपस में मिक्स करती रहेगी, और इसके अंदर अब देखिए यहाँ पे चीनी डाली जाएगी, और चीनी की आप क्वांटिटी देखिए कितनी चीनी डाली जा रही है इसके अंदर। पूरा बड़ा है भगोना भर के उलट दिया है। चीनी भी इसके अंदर देखिए मिक्स होती रहेगी। चीनी मिक्स होने के बाद ये जो मीठी दही तैयार हुई है इसे बोलते हैं प्लेन श्रीखंड, लेकिन हम यहाँ पर आपको मेकिंग दिखा रहे हैं मैंगो डिलाइट श्रीखंड की। तो आप देख सकते हैं, आम लिया है इन्होंने, उसे छीलकर उसके बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस करके कट कर लिया गया है, और अब यहाँ पे जो अपना श्रीखंड तैयार हुआ था उसमें क्रीम डाली जा रही है। क्रीम के बाद इसमें आमरस डाला जा रहा है, और उसके बाद जो अपने आम के पीसेस कट किए थे वो भी इसी में डाल दिए हैं। ये सारी चीजें इसमें आपस में अच्छे से मिक्स की जाएंगी 5-6 मिनट तक, तब जाकर अपना ये मैंगो डिलाइट श्रीखंड तैयार होगा। अब इसे यहाँ से लिया जाएगा, ट्रे के अंदर रखा जाएगा, ऊपर से इसमें देखिए थोड़े से मैंगो के पीसेस और डाले जाएंगे, और ये शॉप पे भेज दिया जाएगा जहां से कस्टमर्स को सर्व किया जाएगा। तो गाइस, मेकिंग आपने देख ली, अब टेस्ट देखा जाए टेस्ट कैसा है इसका। टेस्ट जो गाइस बाकी बहुत ही बढ़िया आ रहा है, और ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है, बना हुआ है जैसा श्रीखंड घर पे बनता है, बिल्कुल प्रॉपर वही वाला टेस्ट है। तो जितने भी श्रीखंड मैंने यहाँ पे गुजरात में खाए हैं उनमें डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी बेस्ट। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही साफ सफाई से बनाया गया है, और ऑल ओवर इंडिया इस श्रीखंड को डिलीवर करते हैं। और केवल मैंगो फ्लेवर नहीं है इनके पास, आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे फ्लेवर्स के श्रीखंड इनके पास मिलते हैं। तो नंबर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, इस पर कॉल करके आप इनसे मंगा सकते हैं। और अगर आप सूरत आए तो सूरत में इनके 12-13 आउटलेट्स हैं, आप किसी पे भी ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा आपको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वे यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। और हाँ, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके।